नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की एक कविता कठपुतली, जिसको भवानी प्रसाद मिश्रा द्वारा लिखा गया है। इसमें कवि हमें स्वतंत्रता के प्रति सचेत कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको कठपुतली का मीनिंग यानी अर्थ बताना चाहूंगी। कट मतलब होता है काट, पुतली मतलब होती है गुड़िया। और आप सभी ने कठपुतली को देखा होगा। अधिकतर ये कठपुतली का खेल राजस्थान या अन्य इलाकों में दिखाया जाता है। और ये क्या होती है, धागों से बंधी होती है और हाथ का जैसे जैसे इंसान जो उसको घुमा रहा होता है, मूवमेंट करता है, कठपुतली वैसे ही घूमते जाती है। तो आज इसी कठपुतली में कविता लिखी गई है। ये वो कठपुतली है जो अपनी परतंत्रता से क्या हो गई है, परेशान हो गई है। चलिए मैं पढ़ रही हूँ कविता, साथ ही मैं उसका अर्थ भी आपको बता रही हूँ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आ गए, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। कठपुतली को क्या हो गया, अपनी परतंत्रता से धागों से बधे बधे उसको क्या हो चुकी है, वो ऊब चुकी है। और वो आज विद्रोह में आ गई है और कह रही है कि मेरे आगे पीछे ये जो धागे बांधे हैं उनको तोड़ दो, मुझे इन धागों में रहने की इच्छा नहीं है और मुझे मेरे पांव पे स्वतंत्र छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो जैसे ही पहली कठपुतली ने स्वतंत्रता की बात की तो दूसरी कठपुतलियां भी उसके लिए राजी हो गई। हम सभी को पता है कि स्वतंत्रता सभी को पसंद है, कोई भी परतंत्र नहीं रहना चाहता है। तो और कठपुतलियां भी बोल रही हैं, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद चुए, हमें अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण किए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, इसलिए हमें भी क्या चाहिए, आजादी चाहिए। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियां भी आजादी की बात करने लगी। लेकिन तभी क्या हुआ, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तभी पहली कठपुतली जो स्वतंत्रता की बात कर रही थी, तो उसके मन में एक विचार आया कि अगर मैं स्वतंत्रता की बात करूंगी तो ये अन्य जो कठपुतलियां स्वतंत्र होने की बात कर रही है, इनकी जिम्मेदारी भी क्या होगी, मेरे ऊपर आ जाएगी और ये कैसे हो पाएगा। और वह अपने विचार, स्वतंत्र होने का जो विचार रही थी, उसके बारे में पुनः सोचने लगी।